हेलो फ्रेंड, दिस इज पिदाहान एंड यू आर वाचिंग सिविल इंजीनियरिंग बेसिक फॉर यू। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है कंक्रीट कवर के बारे में, कंक्रीट कवर और क्लियर कवर। जैसे कि हम साइट पे कंक्रीट वर्क करते हैं तो स्टील और शटरिंग के बीच में हम कंक्रीट कवर प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टील शटरिंग के साथ टच ना हो सके। तो इसी तरह हर जगह हम अलग अलग कंक्रीट कवर प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्लेब कंक्रीट बीम हो गया और कॉलम हो गया, शेयर वॉल हो गया, स्टेयर केस हो गई, रिटेनिंग वॉल हो गया। तो इस तरह हर जगह पे अलग अलग कंक्रीट कवर प्रोवाइड होता है। तो इस तरह आइए दोस्तों टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक है हमारे पास कंक्रीट कवर और क्लियर कवर। कंक्रीट कवर हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे कितनी कंक्रीट कवर रखनी है, तो ये हम इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो इसी तरह नंबर वन पे हम शुरू करते हैं कि पुटिंग में हमारे पास कंक्रीट कवर हमने कितनी रखनी है। तो पुटिंग में हमने रखनी है 15 mm हमने रखनी है कंक्रीट कवर पुटिंग में। नंबर टू पे हमारे पास है राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन में हमने कंक्रीट कवर रखनी है 15 mm। और इसी तरह नंबर थ्री पे हमारे पास है ग्रेट स्लेब। जो ग्रेट स्लेब हमारे पास होता है उसकी हमने कंक्रीट कवर रखनी है 20 mm। और इसी तरह नंबर फोर पे हमारे पास है कॉलम। तो कॉलम की हमने कंक्रीट कवर कितनी रखनी है 40 mm। कॉलम जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम होते हैं उसकी कंक्रीट कवर हमने रखनी है 40 mm। और इसी तरह नंबर फाइव है हमारे पास शेयर वाल। जो हमारे पास शेयर वाल, लिफ्ट वाल वगैरह होते हैं उसकी हमने कंक्रीट कवर प्रोवाइड करनी है 25 mm, यानी कि 1 इंच हमने रखनी है। और इसी तरह नंबर सिक्स पे हमारे पास बीम्स है। बीम्स की हमने कंक्रीट कवर रखनी है 25 mm। बीम की भी कवर हमने रखनी है कंक्रीट कवर हमारे पास 25 mm। और इस तरह नंबर सेवन है हमारे पास स्लेब्स। स्लेब्स की कंक्रीट कवर हमने रखनी है 15 mm। स्लेब की जो हमारे पास थिकनेस होती है 6 इंचेस, मिनिमम 6 इंचेस थिकनेस होती है नॉर्मल, तो इसीलिए हमने कंक्रीट कवर इसकी रखनी है 15 mm। इस तरह बीम होते हैं, बीम के हमारे पास ब्रिज जो है ज़्यादा होती है, 8 इंचेस होती है, 10 इंचेस भी होती है, तो इसलिए इसकी कंक्रीट कवर भी हमने ज़्यादा रखनी है। इस तरह नंबर एट पे हमारे पास है स्टेयर केस। स्टेयर केस पर हमने कंक्रीट कवर रखनी है 15 mm। स्टेयर केस भी हमने कंक्रीट कवर कितनी रखनी है 15 mm। और इस तरह नंबर नाइन पे हमारे पास है रिटेनिंग वॉल ऑन रूफ टॉप। रूफ के टॉप पे जो हम रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर करते हैं, रिटेनिंग वॉल जो हमारे पास रूफ के टॉप पे जो आती है उसकी हमने कंक्रीट कवर रखनी है 20 mm। तो ये रिटेनिंग वॉल बेसिकली डिज़ाइन के मुताबिक होती है। जिस तरह हमारे पास कभी कभार रूफ टॉप पे जो रिटेनिंग वॉल होती है उसकी ब्रेथ होती है 6 इंचेस, तो उसमें फिर 20 mm कंक्रीट कवर हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उसमें 15 mm भी चलता है। तो इसी तरह नंबर 10 पे हमारे पास है रिटेनिंग वॉल ऑन अर्थ। जो हमारे पास ज़मीन पर जो रिटेनिंग वॉल हम तमीर करते हैं उसकी हमने कंक्रीट कवर रखनी है 20 to 25 mm, 20 से लेकर 25 mm तक कंक्रीट कवर हमने रखनी है रिटेनिंग वॉल ऑन अर्थ। तो इसी तरह दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास वर्क होता है, पुटिंग, राफ्ट, ग्रेट स्लेब, कॉलम, शेयर वॉल, बीम, स्टेयरकेस वगैरह। तो इसकी हमारे पास जो कंक्रीट कवर होती है वो भी मुख्तलिफ होती है, इसकी किसी की 50, 20, 40, 25 मुख्तलिफ कंक्रीट कवर होता है जो आप लोगों ने पढ़ी इस वीडियो में।
तो इसी तरह की मोर वीडियोस देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल को सिविल इंजीनियरिंग बेसिक फॉर यू। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आप लोगों ने देखी, और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।